गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यचर्या के आधार। जो मैंने पाठ्यचर्या के आधार आपको पहले पाठ्यचर्या की विशेषता में मैंने बताए थे कि ये एक जो आधार होते हैं इसके, ये इसकी विशेषता भी होती है। अर्थात हम जानते हैं कि पाठ्यचर्या में इस बिंदु का कितना महत्व है, क्योंकि जो कार्य या हम ये कहें कि जो शब्द हमारा विशेषता में समाहित हो गया, तो यानी कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। इसीलिए मैंने ये अलग से आपके लिए बिंदु बनाया कि जो हमारे पाठ्यचर्या का आधार है उसे हम विशेषता में क्यों समायोजित करते हैं, या हम ये कहें कि ये आधार हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या के आधार, इसके मैं आपको विस्तार से मैं इसका अध्ययन करूंगी। इसमें जो ये चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे कि ये चार बिंदु हमें किस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम के आधार बनते हैं और इन्हें हम विशेषता में भी क्यों काम में लेते हैं। तो पाठ्यचर्या के आधार में जहां हमने देखा था पाठ्यचर्या के आधार को चार भागों में इसका विभाजन किया गया था। पहला था हमारा सामाजिक शक्तियां, फिर थे हमारी मानवीय विकास का ज्ञान, थर्ड था हमारा अधिगम का स्वरूप, फोर्थ था हमारा ज्ञान तथा संज्ञान का स्वरूप। ये चार जो हमारे बिंदु थे, ये बिंदु हमारे जो पाठ्यचर्या है, हमारा सिलेबस है हमारा, उसके आधार है। मैं आपको पाठ्यचर्या में ज्यादा ना पढ़ाकर, क्योंकि ये लास्ट ईयर हमारे फर्स्ट ईयर में हम इसको पढ़ चुके थे, इसीलिए जो हमारे लिए सेकंड ईयर में भी इम्पोर्टेंट है, या हम कहें ये कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जो आपके रिट में भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं ओनली मैं उसी का ही आपको अध्ययन करवा रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की स्थिति होती है, कई बार बच्चों के लिए कंफ्यूज वाली हो जाती है, क्योंकि वो उसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम कर देते हैं और पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या कर देते हैं। इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी परिभाषा, इसके अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में बताया। इन दोनों में मैंने अंतर बताया कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है। अब इसमें जो एक पॉइंट हमारा रह गया था कि पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं बताई और इसके चार बिंदुओं का हमने बहुत ही कम शब्दों में उनका वर्णन किया था, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा हम इसका विस्तार से हम इसका अध्ययन करने की हमें आवश्यकता होती है, जिससे कि हमें ये पता रहता है कि हम इन्हें पाठ्यक्रम के आधार के रूप में क्यों इन्हें हम मानते हैं या क्यों हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो प्रथम है हमारा सामाजिक शक्तियां। पहले भी हमें बता चुकी हूँ और बार बार मैं इसका दोहरान भी करती हूँ कि समाज जो कि हमारी जो विद्यालय होता है हमारा, हाँ, समाज की एक छोटी इकाई होती है। अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं उससे हमारी आवश्यकताओं से हम कहीं ना कहीं हमारा विद्यालय, हमारी शिक्षा, ये हमारी कहीं ना कहीं किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी समाज से जुड़ी हुई होती है। कहते हैं हमारी जो समाज की जो शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, यानी कि उन शक्तियों का ज्ञान हमें हमारी शिक्षा से प्राप्त होता है। यानी कि हमारे समाज में हमारी क्या आवश्यकता है, किस चीज की हमें आवश्यकता होनी चाहिए, या हमारे समाज इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं, ये सब, और हम ये परिवर्तन कर रहे हैं तो इन परिवर्तनों को करने के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें हमारी शिक्षा से प्राप्त होता है। और जब शिक्षा से प्राप्त होता है तो शिक्षा का संबंध किससे बन जाता है, हमारे पाठ्यचर्या से। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो पाठ्यचर्या का संबंध है वो हमारी समाज की शक्तियों से होता है, क्योंकि समाज में जो शक्ति है वो ही शक्ति हमें हमारी शिक्षा में काम में आती है। कहते हैं कि विद्यालय के जो कार्यकलाप होते हैं वो हमारे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाज से वो प्रभावित होते हैं, या समाज उन्हें प्रभावित करते हैं। समाज में हमारे जो लक्ष्य होते हैं, हमारे जो हमारे
शक्ति क्या है हमारी, यही है ना, यानी हमारा सामाजिक लक्ष्य। हम क्या पढ़ते हैं, या हम कहें कि हम किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जिस समाज में रहते हैं हम उस समाज में हम हमारे एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा आखिर लक्ष्य क्या है। वही सामाजिक लक्ष्य हमें क्या करते हैं, हमें शिक्षा से जोड़ते हैं, और शिक्षा से जोड़ने के बाद में हम उस लक्ष्य का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसी लक्ष्य का ज्ञान हम हमारे पाठ्यचर्या के आधार पर करते हैं, यानी कि उसका हमारे उसमें समायोजन कर लिया जाता है। फिर हम कहें कि हमारे सामाजिक लक्ष्य, हमारी सांस्कृतिक एकता, ये हमारी शक्तियां हैं, हमारी जो समाज की शक्तियां हैं वो शक्तियां हैं हमारी समाज की। सामाजिक लक्ष्य, सामाजिक एकता, या हम कहें समाज में जो विभेद होते हैं, हम विभेद कर जाते हैं, वो क्यों करते हैं हम? कई बार हमने देखा है कि कई बार जो हम विभेद करते हैं, यानी कि उनका विभाजन हम करते हैं, तो किस आधार पर करते हैं, यानी कि जहां हमारा मत ज्यादा हो। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है हमारे समाज की, वो नहीं आनी चाहिए। हम वर्ग भेद कर जाते हैं, हम रंग भेद कर जाते हैं, तो क्यों कर जाते हैं वो? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उन मनुष्यों का जो ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं ना कि समुदाय संख्या ज्यादा हो जाती है, और जिस समाज के जिस विभेद के संख्या ज्यादा होगी उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि सांस्कृतिक एकता, यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी एकता का परिचायक होता है। हमने माना है हमारी, हम जो हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति है वो हमारी पहचान है। भारतीय जहाँ मानते हैं कि अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो हमारी ताकत होती है, तो वो हमारी क्या है, शक्ति है हमारे समाज की, कि हम कौन सी हमारी संस्कृति को महत्व देते हैं। कहते हैं भारतीय संस्कृति हमारे लिए हमारी एक संस्कृति, हमारी शक्ति है, और हम उस शक्ति को कहाँ पर रहकर निभाते हैं, हमारे समाज में। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के सारे जो कल्चर्स हैं वो हमें अपनाने होते हैं, तो वो हमारी एक शक्ति की परिचायक होती है, वो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखती है, इसलिए वो हमारी शक्ति है। हमें एक दूसरे एक दूसरे समुदाय से, एक दूसरे व्यक्ति से, ये हमें सांस्कृतिक एकता जोड़ के रखती है। फिर कहते हैं सामाजिक दबाव, हम जो भी कार्य करते हैं, हम मानते हैं कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहला डर हमें हमारे समाज का होता है, यानी कि समाज का दबाव होता है, और वो दबाव हमें क्या सिखाता है, सही कार्य करना, ये हमें सामाजिक दबाव सिखाता है। अर्थात इसके कुछ नियम और कानून होते हैं जिसमें कि हम बंधे होते हैं। दबाव मीन्स उसके नियम कानून, और इसके अंतर्गत रहते हुए मनुष्य क्या करता है, अपने कार्य को एक सही ढंग से करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि अगर मैंने कहीं इसमें गलती की तो समाज मुझे इस चीज से नहीं मानेगा। तो यहाँ कहते हैं ये शक्ति है हमारी, सामाजिक दबाव जो है वो हमारी शक्ति है, हमें हमारे मार्ग से भटक ना जाए, इसीलिए ये हमारे दबाव बना के रखती है। अर्थात हमें अगर हमारा कार्य करना है, सही गलत का हमें पता चलता है, तो वो हमारे सामाजिक दबाव से, क्योंकि अगर हमने कहीं कार्य गलत किया तो हम कहते हैं ना, हम कई बार ऐसा होता है कि कई कार्य हमने देखे हैं, कई परिवार में ऐसी चीजें आ जाती है कि कोई गलत कार्य होता है तो वो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि हमें कहीं समाज से बहिष्कार ना किया जाए, या हम उस समाज में, कहते हैं मनुष्य समाज से जुड़ा हुआ रहता है और मनुष्य ही समाज बनाता है। कहते हैं सब व्यक्तियों से मिलकर समूह बनता है, समूह क्या बनाता है, समाज बनाता है। तो अगर वो जिस समाज में रहता है अगर उसके नियम नहीं मानेंगे तो वहां उसका वो सम्मान नहीं होगा, और सम्मान नहीं होगा तो समाज में जो भी व्यक्ति है वो क्या करेंगे, उनकी जो कार्य कर रहे हैं ना तो उन कार्यों में उनका आना जाना कहे कि उनका सहयोग रहेगा ना वो उस चीज को। तो जहां मनुष्य क्या अकेला रहकर अपने कार्य कर सकता है, नहीं, इसीलिए सामाजिक दबाव में रहते हुए मनुष्य अपना कार्य करता है, और कार्य करके इस सामाजिक दबाव से उसे सही और गलत का पता चलता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा में हमने देखा है कि जब जब शिक्षा पाठ्यचर्या में अगर हमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी है तो वो परिवर्तन हमारे लिए हमारी समाज है, यानी कि अगर समाज में परिवर्तन है तो वो परिवर्तन हमें हमारी शिक्षा में भी दिखाई देना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमारी जो हम ज्ञान लेते हैं वो हम हमारे समाज की आवश्यकता को देखते हुए लेते हैं। अगर समाज में परिवर्तन है तो कहीं ना कहीं हमें
हमारी पाठ्यचर्या जो कि हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई होती है वहां भी हमें परिवर्तन करना होता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन भी हमारी शक्ति है, क्योंकि जो हमारे नए नए क्रांतिकारी हम परिवर्तन ला रहे हैं तो वो परिवर्तन कहाँ से आ रहे हैं? समाज से। और इस समाज के परिवर्तन के कारण हम शिक्षा में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं। अब वो क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे समाज को उसकी आवश्यकता थी, इसीलिए हमने उसमें परिवर्तन किया। आज हम देखते हैं हमारे समाज में रहकर हमें हमारे जो आज तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है, या हम कहें ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हमारे जो आविष्कार हमारे नए नए हो रहे हैं, वो आविष्कार किसकी देन है? हमारे समाज की। व्यक्ति की जो आवश्यकता है, वो व्यक्ति की आवश्यकता सीधी समाज से जुड़ी हुई है। तो समाज जैसा परिवर्तन चाहता है, शिक्षा में उसी तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी विविध रूप होते हैं, इसके हमने देखा कि प्राचीन काल का जो हमारा इतिहास था, इसमें सामाजिक शक्तियां, जो हमारी समाज की शक्तियां थी, अत्यंत जटिल थी। और उसमें क्या था, जब वो जटिल थी तो जटिलता होने के साथ साथ उसमें विविध रूप दिखाई देते थे। यानी कि हम जहां प्राचीन काल में हमने देखा कि पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि बहुत कठिनाई से उसको निभा पाते थे, हम कहते थे कि वहां पर वर्ग भेद भी था। पहले के लोग ये मानते थे कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है या नहीं, तो ये सब जो चीजें थी, इसके जो विविध रूप थे वो हमारे लिए बहुत जटिल थे। अब उनमें जब परिवर्तन क्यों किया हमने, परिवर्तन समाज ने मिलकर उसमें परिवर्तन किया, और जब समाज ने परिवर्तन किया तो उसका स्वरूप बदल गया और हमने उसका शिक्षा में भी परिवर्तन किया। तो कहते हैं ये हमारी जो हमारी हमने परिवर्तन किया प्राचीन से लेकर जो आधुनिक काल में हमने परिवर्तन किया, क्यों किया हमने ये परिवर्तन? क्योंकि ये हमारा समाज चाहता था परिवर्तन, और हमारी जो समाज की जो शक्ति थी, अगर वो सामाजिक शक्ति नहीं होती तो हम इसमें परिवर्तन नहीं कर पाते। इसीलिए ये हमारी पाठ्यचर्या के आधार बनते हैं, हमारी सामाजिक शक्तियां, क्योंकि जहां हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी शिक्षा में समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। या हम कहें कि अगर हमें शिक्षा लेनी है, जहां हम परिवार कहते हैं प्रथम पाठशाला है, तो समाज क्या है हमारी, कहते हैं कि जैसे परिवार हमारी प्रथम पाठशाला है, उसी तरह से समाज भी हमारी प्रथम पाठशाला है, समाज भी हमारा एक विद्यालय है। क्योंकि हम जहां ज्ञान विद्यालय में प्राप्त कर रहे हैं उसका एक समय निर्धारित है, लेकिन अपने परिवार और अपने समाज, इससे तो हम 2400 घंटे जुड़े रहते हैं। यानी कि समय ज्यादा कहां व्यतीत किया हमने? परिवार और समाज से। इसीलिए हमारे लिए हमारे समाज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, या कहें कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर हम हमारी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये है हमारी सामाजिक शक्तियां ही हमारी शिक्षा के सामाजिक कार्यकलापों को निर्धारित करती हैं कि हमें क्या कार्य करना है। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, मानवीय विकास का ज्ञान। सेकंड है हमारा मानवीय विकास का ज्ञान, यानी कि मानव का विकास। मानवीय विकास यानी कि मानव का विकास। हमने देखा है बालक की जो वृद्धि होती है, जो विकास होता है, वो विविध रूप में होता है। हम कहें कि उसका विकास मात्रात्मक भी होता है और उसका विकास गुणात्मक भी होता है। हमने देखा है कि एक जहां जैसे बच्चा छोटा है, बालक का जहां कहते हैं कि बच्चा जहां छोटा बच्चा है और एक प्रौढ़ व्यक्ति है, तो हमने देखा है कि उस बालक का जो सफर है, जहां वो छोटे के साथ साथ जहां वो प्रौढ़ अवस्था में आता है, तब तक उसके अंदर जो विकास होता है, जिन गुणों का विकास होता है उसमें, वो विकास क्या होता है? मानव का विकास करता है। अर्थात जो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गया, एक छोटा बालक प्रौढ़ अवस्था में पहुंचा है, तो उसे ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिनसे होकर उसे गुजरना है। हम कहें कि प्रथम तो उसकी विकास की स्थिति होती है कि किस तरीके से वो विकास कर रहा है, यानी कि हम कहें कि वो किस तरीके से उसके ग्रहण करने की योग्यता है, कि वो किस तरीके से सीख सकता है, उसकी सीखने की स्थिति क्या है। तो वो स्थिति किस पर निर्भर होती है? उसकी विकास की स्थिति पर, कि किस तरीके से बच्चा आगे बढ़ता है। जब हम उसका जब और इसी के अंदर, इस विकास के अंदर जो हमारे पूर्ति समाज में, हम समाज के विद्यालय में हम रह
चल रही है। इसके अंदर हम बच्चों का विकास करने के लिए एक हमारा बाल मनोविज्ञान तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक हम बच्चों का मनोविज्ञान नहीं पढ़ेंगे हम उसका विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमें बच्चे का विकास करना है तो वहां हमें उनका जो मन, उनकी साइकोलॉजी है उसे हमें जानने की आवश्यकता होती है। हम बड़े जो होते हैं ना छोटे रूप में, हम कहते हैं कि बच्चे जब बड़ों के छोटे रूप में होते हैं यानी कि बालक होता है छोटा, तो वो प्रौढ़ बनकर अनेक प्रकार के कार्य करता है, या कहें अनेक प्रकार से उसका विकास होता जाता है। अब वो विकास हमने पहले बताया कि विकास दोनों तरीके से है, हम कहें कि उसका गुणात्मक भी होगा और मात्रात्मक भी होगा। मात्रात्मक हम कहें कि हम उसे शिक्षा से जोड़ देंगे कि हाँ बच्चा प्रथम श्रेणी से आ रहा है, बच्चे की इतनी परसेंट बन रही है। और हम गुणात्मक में देखें तो उसके व्यवहार में हम देखेंगे बच्चे का व्यवहार कैसा है, जैसा इसने कहा कि कौन कौन सी हमारी मानव के विकास की स्थिति होती है। पहला कि वो किस स्थिति में आगे बढ़ रहा है, जहाँ वो छोटा बालक था और साथ में वो प्रौढ़ बन रहा है, उसकी विकास की स्थिति। फिर आती है चिंतन शैली, क्योंकि बच्चे को जो कहते हैं मानवीय गुण का विकास, जो कहते हैं मनुष्य की प्रवृत्ति होती है चिंतन, वो चिंतन किस तरीके का करता है, ये हमें उस मानवीय गुण का विकास होता है। किससे? उस शिक्षा से, पाठ्यचर्या से। तो यहाँ चिंतन शैली का आवश्यकता, साथ में हमारी आवश्यकता, यानी कि हम देखते हैं कि बालक उसी चीज को ग्रहण करेगा या उसी चीज में आगे विकास करने की सोचेगा जिसमें उसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता के साथ उसका इंटरेस्ट होगा, यानी कि सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर हम हमारी आवश्यकता, हम वही कार्य मनुष्य कार्य वही करता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, तो वो आवश्यकता हमारी यहाँ ग्रैंड है। हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट है इसके अंदर, ये हमारा जो मानवीय गुण है उसके विकास के बारे में था। फिर आता है हमारा अधिगम स्वरूप। अधिगम स्वरूप यानी कि बच्चे की सीखना, बच्चे किस तरीके से सीखने की प्रक्रिया। तो ये हम मानते हैं कि हमारे जो आज का युग है इसके अंदर जो सीखने की प्रक्रिया पर हम विचार करें, हम सोचें, तो हम क्या करते हैं इनके अनेक, क्या कब सीखते हैं हम, हमारी जो सीखने की चीज हमारे सामने आती है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है या किस तरीके से सीख सकता है, इसकी जानकारी हमें किसके द्वारा होती है? शोध के द्वारा। हम ये मानते हैं, जो शोध हम अपनाते हैं, जो विभिन्न शोध होते हैं इनके ऊपर कि किस तरीके से बच्चा आगे बढ़ा या कौन सी ऐसी क्रिया रही जिससे बच्चे ने अधिक सीखा, तो हमारी इन चीजों के माध्यम से हम ये सीखते हैं। अधिगम में जो अधिगम का स्वरूप होता है वो उस शोध के द्वारा हमें पता चलता है, उस स्वरूप हमारे सामने आता है कि किस विधि के द्वारा और किस तरीके से बच्चा सीखा है, या हम कहें कि इस दृष्टि से अधिगम के जो सिद्धांत विकसित हुए हैं वो सिद्धांत कौन कौन से मान रहे हैं हम। जैसे हमने कह दिया व्यवहारवादी, और हम कहें व्यवहारवादी का सिद्धांत, दूसरा हम कहें कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये जो हमारे अधिगम सिद्धांत के जो हमारे पाठ्यचर्या नियोजन के कार्य हैं उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से हमारे संपादित करने के पक्ष में है, कौन? हमारा व्यवहारवादी का सिद्धांत और हमारा संज्ञानात्मक का सिद्धांत। हमने देखा है कि दो प्रवृत्ति होती है, व्यवहार की यानी कि जो हम उसे सीखे उसे हम डेली व्यवहार में ले, हम दो ही तरीके का ज्ञान लेते हैं, व्यवहारवादी ज्ञान लेते हैं और एक संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का अर्थ हमारी मानसिक योग्यता, जिसे हम कहें कि हम दो व्यवहारवादी में जहां हमारे चिंतन का समावेश नहीं होता, लेकिन संज्ञानात्मक में हमारा किसका समावेश होता है? हमारे चिंतन का। संज्ञानात्मक स्थिति जो होती है वो मनुष्य को कहते हैं कि अंतिम हमारी मानसिक योग्यता, जो हमें सीखना, हमें सिखाने की बुद्धि पर है कि हमने किस तरीके से उसे सीखा, हमने व्यवहार में लिया, वो हमारे एक तरीके से हमारी हैबिट बन जाती है, हम उसे डेली काम में लेते हैं। लेकिन जहाँ संज्ञानात्मक की स्थिति है तो हम व्यवहार के अंदर ली गई जो क्रियाएं होती है उन्हें भी हम बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं, हमारी सोचने के बाद में हमें वो संज्ञान की स्थिति में जाती है, अंतिम चरम पर जाती है और हम उसे सीखते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, ज्ञान तथा संज्ञान का स्वरूप। हमने देखा कि ज्ञान, जब हम
शुरू में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। वैसे ज्ञान को हमने परिभाषा में कहा था कि अंतिम स्वरूप है, लेकिन यहाँ ज्ञान और संज्ञान दो चीज है। तो ज्ञान तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको एक तरीके से हम जान सकते हैं कि ज्ञान क्या हो गया हमारा, यहाँ हम सूचना मानेंगे इसको, और संज्ञान को हम मानेंगे हमारा ज्ञान, यानी कि जो सूचना हम ले रहे हैं उसे हम अंतिम चरम तक किस स्वरूप में पहुंचते हैं, उसमें हम किस तरीके से हमारी मानसिक योग्यता का समावेश करते हैं, ये संज्ञान हमें ये बताना चाह रहा है। और यहाँ ये ज्ञान हमें सूचना दे रहा है कि जिस चीज के बारे में हम ज्ञान ले रहे हैं उसके लिए जहाँ मस्तिष्क में, हम कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमारा सीपीयू होता है, उस सीपीयू में हम किस तरीके का स्वरूप ला सकते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, ये हमारा यहाँ संज्ञान की स्थिति है। अब हम कहें कि संज्ञान की स्थिति जब जाती है, बच्चा दो चीज करता है, या तो उस पर क्रिया करता है, क्रिया करेंगे तो क्रिया करने के लिए हमें बच्चों को हम किस तरीके से क्रिया करनी है ये बच्चा सोचेगा। अब प्रतीकात्मकता के लिए हम कहेंगे कि यहाँ हम क्या क्रिया जहाँ करवा रहे हैं वहाँ बच्चों को कार्य करने के लिए दे दिया, लेकिन प्रतीकात्मकता जो होती है यानी कि हमें पहचान, हम देखते हैं कि हम बच्चों को किसी चीज के बारे में बताते हैं, और इस प्रतीकात्मकता यानी कि हम किसी चित्रों का किसी बिंबों का जो हम प्रयोग करते हैं वो क्यों करते हैं, इस संज्ञान की स्थिति में ले जाने के लिए, अर्थात उसकी पहचान करवाने के लिए हम इस स्थिति पर पहुंचते हैं। एक हम कहें जो हमारे प्रतीक होते हैं, हम उन प्रतीकों का भी, हम प्रतीक कैसे, एक दूसरा प्रतीकात्मक कौन सा होता है, हमारी भाषा का, हम भाषा की किस तरीके से जो हमारी भाषा शैली है उसका हम प्रयोग करें, ये सब चीजें हमारी कहाँ आती है, हमारी संज्ञान की स्थिति में। ज्ञान में तो हम सिर्फ सूचना करते हैं, लेकिन जो हमारी संज्ञान की स्थिति है उसमें हमारी इन सभी चीजों का समायोजन है होता है। इसीलिए ये हमारे पाठ्यचर्या के आधार होते हैं, जब हम सिलेबस बनाए तो इस आधार को हमें ध्यान में रखना होता है, और इसी के आधार पर हमारा पाठ्यचर्या तैयार होता है। तो बच्चों ये हमारे पाठ्यचर्या को बनाने के मुख्य आधार हैं। अगर इन बिंदुओं का हम इसमें समायोजन नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए जो हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं, जो सिलेबस बना रहे हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। धन्यवाद।